आइए तीन बार ओम का उच्चारण सभी मिलकर के करेंगे। उत्सव भी है तो उस शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी घटना घटी जो ऋषि को बोध हुआ और ईश्वर की तलाश में निकल पड़े। फिर स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती जी ने उन्होंने संन्यास दिया। उनसे संन्यास प्राप्त करके सच्चे गुरु की तलाश में ऋषि निकल पड़े। मथुरा में रहते थे सतगुरु बने। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि तो आइए अब गुरु दक्षिणा की बारी आई। गुरु दक्षिणा के समय गुरु विद्यानंद जी ने महर्षि को देश की हालत बताई, किन कुरीतियों से देश जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने आदेश दिया कि
जाओ देश का नक्शा बदलो। तो ऋषि देव दयानंद जी ने सभी को वेदों की ओर लौटाया, आर्य समाज की स्थापना की और इस देश का नक्शा यूं बदल दिया। सत्यार्थ प्रकाश जैसे एक महान ग्रंथ की रचना की, ऐसे थे हमारे ऋषि देव दयानंद सरस्वती। उसको नमन करेंगे, सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि